अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और सावन की गर्मी को बड़ा ही मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। खैर, मैं भी अभी वॉक करके आई हूँ और यकीन करें बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, और मुझसे वॉक नहीं हुई, एक चक्कर मुश्किल से लगा के आई हूँ। और अभी भी वापस आई थी तो सोचा कि एक पार्सल आया हुआ है, और पार्सल कहाँ से आया हुआ है ये भी आपको मैं बताती हूँ। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जो क्रेज़ी हैं परफ्यूम्स के लिए, जैसे कि मैं। मुझे ख़ुद परफ्यूम्स का बहुत शौक है और बहुत ही मैं चूज़ी हूँ परफ्यूम्स के मामले में, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप कुछ एक ब्रांड होता है जिस जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि ये ब्रांड तो बहुत ही आला है, तो उसके परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। नो, ये नहीं होता। जैसे स्टी लॉडर देख लें आप, लैंकम देख लें, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जैसे टॉम फोर्ड देख लें, जैसे जिमी चू देख लें, इनकी खुशबुएँ नो डाउट बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। इनमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और मैं आपको बता दूं जो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और मेरे पास भी काफ़ी कलेक्शन है, मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मेरी वीडियोज़। अगर आप पीछे की तरफ जाएँ तो खंगालें तो उसमें आपको नज़र आएंगी मेरी परफ्यूम्स, जो कि मेरी फेवरेट परफ्यूम्स हैं। खैर, आज मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि एक परफ्यूम है मेरे पास विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल। बॉम्बशेल बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है और इसकी खुशबू इतनी 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 ज़बरदस्त है कि मैं आपको ना कैसे समझाऊँ और कैसे बताऊँ। खैर, बहरहाल आप लोग ख़ुद ख़रीदें तो आप लोगों को पता चले, लेकिन ये है कि विक्टोरिया सीक्रेट की परफ्यूम्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और तकरीबन ये जो मेरे पास है विक्टोरिया सीक्रेट की बॉम्बशेल, ये पाकिस्तान में 12,000 की है, ठीक है। अब ये मेरी तो खैर बाहर से आई थी, मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदी। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जितने भी परफ्यूम्स हैं जो इम्पोर्टेड हैं वो मैंने नहीं ख़रीदी, वो मेरी बाहर से गिफ्ट आई हैं। यहाँ से मैंने अपने जो ब्रांड्स हैं हमारे, जैसे बोलेंजा हो गया, जैसे खाडी हो गया, जैसे जे डॉट हो गया, वो मैंने ख़ुद परचेज़ किए। ये जो परफ्यूम है ये मेरी बाहर से आई थी और मैंने अब इतनी सी बच गई है, और इसको मैं तबर्रुक की तरह यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो, लेकिन खैर मैंने अपनी भाभी से कह दिया है कि अब अगर कोई आएगा या जाएगा या वो खुद आएगी या भाई आएगा तो प्लीज़ मेरे लिए विक्टोरिया सीक्रेट की बॉम्बशेल भेज दे। बहरहाल अब तो चलें जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि सेंट्स एंड सीक्रेट्स के नाम से एक पेज है जो कि फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है, और इन लोगों का दावा है कि जो बॉम्बशेल परफ्यूम है उसका उन्होंने कॉपी बनाया है, ठीक है। और उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, उसके रिव्यूज़ उन्होंने मुझे ये करके मैंने जो उनके रिव्यूज़ देखे हैं, रिव्यूज़ ये हैं, कुछ लेडीज़ कह रही हैं कि बिल्कुल टोटली वही खुशबू है जो कि बॉम्बशेल की है, और कुछ कह रही हैं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 10 आवर्स तक नहीं जाता आपके कपड़ों पे से, ठीक है। तो मैंने बहुत इंस्पायर होकर ये वाला मंगवा लिया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैं हूँ बड़ी ठरकी परफ्यूम्स के मामले में। फिर मैंने मंगवा लिया, और मैंने क्या मंगवाया है कि मैंने मंगवाया है एक टेस्टर, ठीक है, टेस्टर मंगवाया है। तो मैं उसकी पैकिंग आप लोगों के सामने खोलूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि उसका टेस्टर कैसा है और उसकी खुशबू वाकई बॉम्बशेल जैसी है कि नहीं, आपके सामने ही सब कुछ होगा, ठीक है। मैं अभी आपको उसका रिव्यू मैं खुद दूँगी, ठीक है। चलिए जी, मेरे साथ ही रहिए जी। ये है विक्टोरिया सीक्रेट का बॉम्बशेल, ठीक है, ये वाली परफ्यूम। ये देखें कितनी थोड़ी सी रह गई, मुझे बड़ा दुख है कि बड़ी थोड़ी सी रह गई, ठीक है। ये है विक्टोरिया सीक्रेट की बॉम्बशेल, और ये देखिए इतना प्यारा सा इसका चुन्नू मुन्नू सा इन्होंने यहाँ पर इसका बो बनाया हुआ है, और ये है इसका माइंड ब्लोइंग, ठीक है। चलें जी, अब पार्सल खोलते हैं। ये देखिए जी, ये है जी इनकी परफ्यूम की पैकिंग, और मैं अब इसके अंदर से आपको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा चाहिए, एक मिनट। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है 100% कंसंट्रेटेड परफ्यूम ऑयल सेंट्स एंड सीक्रेट्स, और इस तरह की ये बॉक्स है, और हम इसको खोलते हैं, और इस तरह से इसमें इन्होंने एक बुकलेट दी हुई है, और साथ इस तरह ये बना हुआ है, और ये देखिए वाओ। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना,
द क्वीन, इन्होंने सेंस एंड सीक्रेट्स वालों ने इंस्पायर्ड बाय बॉम्बशेल रोल ऑन, यानी कि बॉम्बशेल से इंस्पायर्ड है ये परफ्यूम और इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है द क्वीन. ठीक है, परफ्यूम ऑयल है ये और 10 ml इसकी बॉटल है और इसकी प्राइस 790 है. ठीक है, और 200 इसकी शिपिंग थी तो मुझे ये कॉस्ट हुआ है 990 का. देख लें, ठीक है, अब मैं ज़रा चेक कर लूँ. चलिए जी, मैं तो खोलने लगी हूँ इसको, चेक करते हैं. यार अमेजिंग अमेजिंग, मुझे नहीं यकीन आ रहा. एक मिनट, ये है ना विक्टोरिया का. विक्टोरिया वालों, हम लोग तुमसे जीत गए. उफ, सेम सेम, लिटरली सेम. सेंट्स एंड सीक्रेट्स, आई सल्यूट यू, आई सल्यूट यू. ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है ये रोल ऑन. और मैं यकीन नहीं कर रही कि ये मतलब कॉपी है. नो, इट्स नॉट अ कॉपी. आई थिंक यही वाला इन्होंने इसमें डाला है. ओ माय गॉड, सेम परफ्यूम है, सेम सेम खुशबू, सेम सेंस एंड स्टोरीज. मैं आपकी पक्की कस्टमर. अब मैंने बाहर से कोई परफ्यूम नहीं मंगवाना, मैं आप लोगों से लूँगी. मैं आपकी पक्की फ़ैन भाई. द क्वीन ज़रूर मंगवाएं, बॉम्बशेल से इंस्पायर्ड ये परफ्यूम है. मैंने तो इसका सिर्फ टेस्टर इसलिए मंगवाया था कि क्यों मैं पैसे ज़ाया करूँ, क्या पता अगर खुशबू वैसी ना हो, खुशबू ऐसी हो वैसी हो. आपको पता है मैं बहुत चूज़ी हूँ इस मामले में, और अगर वो अच्छी ना होती तो मेरे पैसे ज़ाया, क्योंकि मैंने तो लगानी नहीं थी, मैंने तो इधर उधर किसी ना किसी को दे देनी थी. लेकिन मैं कहती हूँ कि सेंस एंड सीक्रेट्स, तुम लोगों ने ये जो चीज़ बना ली है ना, बस तुम लोगों ने ना कमाल कर दिया. बस अब ये है कि आप लोग भी ज़रूर मंगवाएं सेंस एंड सीक्रेट्स. बहुत ज़बरदस्त मैं कहती हूँ कंपनी है, और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है और इनके प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं. अब ये ख़त्म होगा तो इसकी बॉटल आएगी बड़ी वाली. अब मैं नहीं परेशान. बॉम्बशेल विक्टोरिया सीक्रेट का, सेम द क्वीन इंस्पायर्ड बाय बॉम्बशेल. ठीक है, आप लोग भी मंगवाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा. और इजाज़त चाहती हूँ अगली वीडियो तक के लिए. मैं तो बड़ी खुश हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूँ कि मेरे पैसे पूरे हुए. भाई मैंने 1000 रुपया जब आज निकाला तो मैं परेशान थी कि मैं किस तरह निकाल रही हूँ अगर वो ख़राब हो गई चीज़ तो. लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. लेकिन खैर, मैंने, मुझे नहीं परेशानी, मुझे 1000 रुपये बेशक चला गया, मुझे कोई मसला नहीं है. दिस परफ्यूम इज़ बेस्ट वन और मैं यही वाला इंशाल्लाह बड़ी बॉटल में लूँगी. चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.